जय हिंद प्यारे साथियों, आप सभी साथियों का स्वागत करता हूँ पुनः स्टूडेंट वार एजुकेशन परिवार में। आज की एक शानदार भर्ती में आप सभी साथियों का स्वागत है। यह भर्ती निकाली गई है इंटेलिजेंट ब्यूरो, जो कि एक गुप्तचर संस्था है, गृह मंत्रालय भारत सरकार के तहत कार्य करती है। और बता दूँ, इन्होंने वैकेंसी निकाली है जूनियर इंटेलिजेंस ऑफिसर ग्रेड सेकेंड टेक्निकल। जी हाँ, टेक्निकल की पोस्ट है। 2023 की भर्ती आप लोगों के लिए यहाँ पे जारी कर दी गई है। तो सारी डिटेल यहाँ पे जानने वाले हैं, क्या क्या क्वालिफिकेशन यहाँ पर रहने वाला है, कौन से कैंडिडेट इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, एज लिमिट से लेके वेतन सारी जानकारी, और क्या क्या सिलेक्शन प्रोसेस रहने वाला है। तो देखिए, ऑनलाइन एप्लीकेशन आर इनवाइटेड फ्रॉम इंडियन नेशनल फॉर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट टू द पोस्ट ऑफ जूनियर इंटेलिजेंट ऑफिसर ग्रेड टू टेक्निकल। ओके, यानी JIO सेकेंड टेक्निकल पोस्ट को यहाँ पे इन्होंने निकाला है 2023 की। देखिए यहाँ पे डिस्क्रिप्शन देखते हैं हम इसका, तो ये पोस्ट है आप लोगों की जूनियर इंटेलिजेंट ऑफिसर ग्रेड टू की टेक्निकल की पोस्ट है। बिल्कुल यहाँ पे देखिए, पे स्केल इसका क्या रहने वाला है, मतलब सैलरी वेतन आप लोगों की 25,500 से स्टार्ट होगी और 81,100, यानी यहाँ पे बहुत बढ़िया सैलरी यहाँ पे आप लोगों को मिलने वाली है। अब आगे देखिए गाइस, यहाँ पे टोटल वैकेंसी की बात करते हैं, नंबर ऑफ वैकेंसी आप लोगों की कितनी है। जनरल वालों के लिए 325, EWS वालों के लिए 79 यानी 79 पोस्ट, OBC के लिए 215, SC कैटेगरी 119, ST 59, टोटल की बात करें तो 797 पोस्ट है। बहुत बड़ी भर्ती है अपने आप में। इस फॉर्म को आप अधिक से अधिक अप्लाई कीजिएगा ताकि आप लोग इसका बेनिफिट उठा सको। देखिए यहाँ पे अब योग्यता क्या रहने वाली है, यानी इस फॉर्म को कौन कौन से कैंडिडेट यहाँ पे भर सकते हैं, फिल कर सकते हैं। तो फर्स्ट क्वालिफिकेशन, डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग इन द फील्ड ऑफ, मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रॉनिक्स या इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन, या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन, या इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, या तो फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, या फिर कंप्यूटर साइंस कर रखा हो, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, या फिर कंप्यूटर एप्लीकेशंस फ्रॉम अ गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, मतलब BCA भी अगर आप लोगों ने कर रखा हो तो इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। या तो फिर आप लोगों ने कर रखा हो बैचलर डिग्री इन साइंस, मतलब बैचलर डिग्री इन साइंस विथ इलेक्ट्रॉनिक्स आर कंप्यूटर साइंस आर फिजिक्स आर मैथमेटिक्स फ्रॉम अ गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, मतलब अगर आप लोगों ने BSc फिजिक्स से कर रखा है, मैथ्स से कर रखा है, या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स से कर रखा है, या फिर कंप्यूटर साइंस से कर रखा है, तो इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। आगे देखते हैं थर्ड, आप लोगों का अगर आप लोगों ने कर रखा है बैचलर डिग्री इन कंप्यूटर एप्लीकेशन फ्रॉम गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, मतलब अगर BCA आप लोगों ने कर रखा है तो इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। तो इतनी क्वालिफिकेशन वाले स्टूडेंट इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। अब देखिए गाइस, यहाँ पे बात करने वाला हूँ मैं एज लिमिट की, मतलब आयु सीमा क्या रहने वाली है, कितनी एज से लेके कितनी एज तक वाले कैंडिडेट इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो प्यारे साथियों, बिटवीन एट्स टू 18 to 70, मतलब ईयर्स, मतलब 18 साल से लेकर 27 साल वाले कैंडिडेट इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। अपर एज लिमिट इज रिलैक्सेबल बाय 5 ईयर SC ST कैंडिडेट, मतलब यहाँ पे देखिए आयु सीमा में छूट भी दे रखा है, 5 साल की छूट दे रखा है SC ST कैंडिडेट को, मतलब 27 + 5 यहाँ पे एड करते हैं हम, तो आप लोगों का 32 साल तक वाले कैंडिडेट इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं SC ST वाले। इसी प्रकार से OBC कैंडिडेट को भी 3 साल की छूट दे रखा है। जी हाँ, 27 + 3 है, मतलब 30, OBC कैंडिडेट 30 यानी 30 साल तक वाले कैंडिडेट इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो बढ़िया है और बहुत ही शानदार यहाँ पे वैकेंसी है। देखिए यहाँ पे सारी की सारी डिटेल मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, एग्ज़ाम किस प्रकार से होगी, इंपॉर्टेंट डेट कब से कब तक फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। तो देखिए एग्ज़ाम आप लोगों की बता दूँ यहाँ पे क्या होगा, टायर फर्स्ट, मतलब फर्स्ट एग्ज़ाम आप लोगों का ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा जिसमें ऑब्जेक्टिव 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिनमें से 100 में से आप लोगों का जो है 25% यानी 25 नंबर का आप लोगों का जनरल मेंटल एबिलिटी पूछा जाएगा, और बाकी आप लोगों का
75% टेक्निकल से रहेगा, सब्जेक्ट से रहेगा, 2 घंटे का पेपर होगा। देन गाइस सेकेंड आप लोगों का टीयर होगा, स्किल टेस्ट होगा, मतलब आप लोगों का जो है प्रैक्टिकल होगा, टेक्निकल वाला प्रैक्टिकल, ओके, जिसमें 30 नंबर यहाँ पे आप लोगों को दिया जाएगा। थर्ड आप लोगों का एग्ज़ाम होगा, इंटरव्यू या पर्सनालिटी टेस्ट आप लोगों का होगा 20 नंबर का। ओके, अब देखिए यहाँ पे फर्स्ट एग्ज़ाम आप लोग कितने नंबर पर क्वालिफाई कर सकते हो, 100 में से आप लोगों को बताओ, जनरल कैंडिडेट 35 नंबर लाते एग्ज़ाम पास कर लेंगे, ओबीसी आप लोगों के 34 में पास आउट हो जाएंगे। ओके चलिए आगे देखते हैं हम लोग और क्या इंपॉर्टेंट जानकारी निकल के आती है, तो किस प्रकार से अप्लाई करना है। तो देखिए ऑनलाइन इस फॉर्म को अप्लाई करना है बिल्कुल, यहाँ पे ऑफिशियल वेबसाइट आप लोगों की ये बता दूँ मैं, www.mha.government.in, ये ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ से जाके आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो, या तो आप फ्री जॉब अलर्ट या सरकारी रिजल्ट की ऑफिशियल वेबसाइट से भी इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। इम्पोर्टेंट डेट क्या रहने वाली है, तो देखिए यहाँ पे 3 जून से आप लोगों का ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट हो जाएगा और 23 जून आप लोगों की लास्ट डेट रहने वाली है। एग्जामिनेशन फी कितना लगने वाला है, तो देखिए गाइस एग्जामिनेशन फी आप लोगों का सभी बता दूँ यहाँ पे सभी कैंडिडेट के लिए, एग्जामिनेशन फी आप लोगों का देखिए यहाँ पे 50 रुपये आप लोगों को लगेगा और अदर चार्जेस आप लोगों के 450, इस प्रकार 500 रुपये में ये फॉर्म आप लोग फिल कर सकते हो। बहुत शानदार आप लोगों की वैकेंसी है, इसे फिल करना आप लोगों को ज़रूरी है, ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ बार बार नहीं मिलती है। तो प्यारे साथी यह था आज का शानदार गवर्नमेंट जॉब संबंधित नोटिफिकेशन, इसी प्रकार के शानदार गवर्नमेंट जॉब संबंधित नोटिफिकेशन के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाले सभी लेटेस्ट वीडियो आप लोगों को सबसे पहले मिले। थैंक यू साथियों।